देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है अब आपको जो डेटा है ना वो ग्राफ पेपर पे बनाना है ना। इसके लिए ग्राफ पेपर वही यूज करेंगे जो 10th क्लास में आप यूज करते थे, सेम वही ग्राफ पेपर इसमें यूज करेंगे। पर ज्यादातर स्कूलों में क्या करते हैं, ग्राफ पेपर इसके लिए नहीं करते, वो कहते हैं फेयर कॉपी पे ही आप कोई फ्री पेज है उसी पे ही बनाते हैं, पर वास्तव में इसका यूज तो ग्राफिकल पेपर पर होता है। तो ग्राफ इज द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग स्टेटिस्टिकल डेटा ऑन ए स्पेशल टाइप ऑफ पेपर नोन एज ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे क्या आता है, डेटा प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ इज नोन एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो क्योंकि हम उसको ग्राफ की शेप में ग्राफिकल पेपर पे दे रहे हैं इसीलिए इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन ग्राफ पेपर इन फॉर्म ऑफ लाइन और कर्व के वे में आप इसको दिखाते हैं। इससे डेटा क्या इजी हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, वो एडवांटेज में वही चीजें हैं कि सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। इसके बेसिस पर आप फोरकास्टिंग, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन कर पाते हैं और वेरियस डेटा को, वेरियस चीजों को हम ग्राफ में प्रेजेंट कर पाते हैं। वैसे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई पूछने नहीं है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बेस्ड ऑन ब्रीफ इंफॉर्मेशन तो ये प्रिसाइज जो वैल्यूज है वो नहीं बता पाता और इससे कई बार जो कंक्लूजन निकलते हैं वो सही भी नहीं निकलते। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है कि डायग्राम और ग्राफ में क्या फर्क है। देखो पिछला चैप्टर अपन ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ा था, ये वाला चैप्टर अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो डायग्राम जो है वो ग्राफ पेपर पे नहीं बनते, वो सिंपल फ्री पेज पे बनते हैं, जबकि ग्राफ्स जो बनते हैं वो ग्राफिकल पेपर पे बनते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अ डायग्राम इज जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन ए प्लेन पेपर व्हाइल द ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्राफ पेपर। द ग्राफ प्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वेयर अ डायग्राम डज नॉट। ग्राफिकल पेपर जो वो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देता है, जबकि जो डायग्राम है वो ऐसा नहीं देता है। तो ग्राफ का प्रेजेंटेशन तो अपन को आता है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेफ्ट टू राइट जाती है, हॉरिजॉन्टल उसको एक्सेस या एब्सकिसा कहते हैं, उसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं अपने काम, तो एक्स एक्सिस ही आ जाएगा। और वर्टिकल लाइन जो होती है डाउनवर्ड टू अपवर्ड इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं और हम इसको जनरल लैंग्वेज में कहेंगे वाई एक्सिस। तो हमारे जो काम आएगा ना वो टेक्निकल नाम कुछ नहीं आना, हमारे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही रहेगा। अब इनको कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स रहेंगे, आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, आपको स्केल देना पड़ेगा। ये बात आप 10th के ग्राफ पेपर में भी करते थे, प्रॉपर इंडिकेटर देने पड़ेंगे, शेड्स वगैरह हो सकता है वो देने पड़े आपको। फॉल्स बेसलाइन में आपको बताऊंगा ये क्या होता है, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा, कोई डेटा टेबल है, ड्रॉइंग लाइन है, पेपर का साइज है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, जो भी चीजें वो आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन इसका कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, मैं आपको जो चीज है वो सीधा ग्राफ के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो देखिए ग्राफ पेपर में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डायग्राम आते हैं और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोग्राम कि हिस्टोग्राम कैसा होता है। तो हिस्टोग्राम में भी कई केसेस आएंगे। पहला आएगा हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, कहने का मतलब ये आपको मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ऐसे कौन से कितने स्टूडेंट है इसमें कि क्लास में 0 से 10 मार्क्स आते हैं, ऐसे स्टूडेंट है 30। जिनके 10 से 20 मार्क्स आते हैं ऐसे जने हैं 45। जिनके 20 से 30 आते हैं ऐसे बच्चे हैं 55। ऐसे ही इसके 60, इसके 35। अब आपको यहाँ देना है कि देखो ये 0 है, ये एक्स एक्सिस जा रहा है पूरा, ये आपका वाई एक्सिस आ रहा है पूरा, ये आपका एक्स एक्सिस है पूरा। यहाँ आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हैं उनके 10-10 का डिफरेंस डाल के 1-1 सेंटीमीटर पे आपने लिख दिए इनको। और यहाँ मार्क्स हैं तो 0 to 10 है तो 0 to 10 का एक ले लिया, फिर 10 to 20, 20 to 30, 10-10 का यहाँ मार्क्स का ले लिया अपन ने। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 to 10 में 30 है तो ये 0 to 10 में 30 तक आपको ये बार लाना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ अब आप कहोगे सर बार डायग्राम भी तो यही था। देखो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में फर्क ये होता है कि बार डायग्राम हर ईयर का बार अलग अलग होता है, हिस्टोग्राम में सारे बार आपस में जुड़े हुए हैं। जो दूसरा बार बनेगा ना कंटिन्यूटी में ही बनेगा कि 10 टू 20 में 45 है तो ये 45 तक अपन लाएंगे और ये एक नया बार बन जाएंगे जो पिछले वाले बार से कनेक्टेड रहेगा, अलग से नहीं है। अगर अलग से होता तो फिर ये बार डायग्राम बन जाता, लेकिन ये हिस्टोग्राम बनेगा क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए बीच में कोई गैप नहीं होता। फिर थर्ड आपका 55 तो ये 55 तक जाएगा, ये 55 तक आ गया। फिर आपका 60 तो ये 60 तक जाएगा। ये हिस्टोग्राम है, सारे हिस्टोग्राम में जो बार्स हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं। और देन है 35 तो ये 35 तक जाएगा। इस तरीके से आपका जो डेटा है वो हिस्टोग्राम का तैयार होता है।
फिर आपको यहाँ हिस्टोग्राम क्या शो कर रहा है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आप यहाँ स्केल भी लिखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स है और वाई एक्सिस के ऊपर आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हैं। ये स्केल, हेडिंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ मार्क्स, ये सब आपको देने पड़ते हैं। बार ही बन रहे हैं लेकिन ये बार सब आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। और अभी ये इक्वल क्लास इंटरवल के लिए कि जो इनके बीच में जो गैप है ये 10-10 का ही है, इसीलिए इसको बोला गया इक्वल डिफरेंस, इक्वल क्लास इंटरवल जो है इसको बोला गया। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल सर ये कैसे होगा, देखो मार्क्स तो आपको 10 के डिफरेंस पे दे रखे हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कुछ का डिफरेंस 10 का नहीं है। जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ 30-60 है, यहाँ 60-80 है, फिर 10-10 का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखे, पर यहाँ अनइक्वल दे दिए ना, ये जो डेटा है वो आपका अनइक्वल है। तो अब अनइक्वल का आपका कैसा बनेगा वो चीज जो है वो अपन को देखनी है। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ मार्क्स लिखे, यहाँ आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे, ठीक है। अब 0-10 में आपके स्टूडेंट है 5, तो 0-10 में आपके 5 तक चला गया, 10-20 में 10 तक गया, तो 10-20 में ये 10 तक चला गया, 20-30 में 4 तक जाएगा, तो ये 4 तक जाएगा। अब यहां आकर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां हम जानते हैं कि 30-60 है और 30-60 में 10 जो है, अगर अपन देखें 30-60 में डिफरेंस है 30 का, और इसमें 10 कितनी बार आ सकता है, इसमें 10 आ सकता है 3 बार, इसमें 10 का डिफरेंस जो 10-10 का डिफरेंस चल रहा था वो 3 बार आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और डिवाइड बाय 3 करने से ये आ जाएगा 6, इसीलिए जब यहाँ डायग्राम बनेगा तो वो 6 के हिसाब से बनेगा, तो ये 6 के हिसाब से बना है और उसकी विड्थ ज्यादा होगी 30-60 और 6 तक बना, ये 18 तक नहीं जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, उसको 10-10 के डिफरेंस 3 बार हो सकते हैं, इसलिए इसको डिवाइड बाय 3 करके जो वैल्यू 6 तक ही लेके जाएंगे, और इस तरीके से ये जो हिस्टोग्राम है इसकी विड्थ ज्यादा होगी, इसकी विड्थ जो आप देख रहे हैं ज्यादा होगी, लेकिन इसकी हाइट जो है वो 6 तक ही जाएगी, और 6 तक जाने का रीजन जो है वो ये है, और यहाँ 3 कहाँ से आया, वो 3 यहाँ से आया, और उसमें 10 कहाँ से आया, वो 10 आपका यहाँ से आया। तो इक्वल डिफरेंस करने के लिए अपन को ये काम करना पड़ा। जैसे यहाँ ये वाला ग्रुप है 60-80 तक, ये भी 10 का नहीं है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे कि 60-80 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 20 का, 20 में 10 कितनी बार आ सकता है, इस 20 के डिफरेंस में 10 आ सकता है 2 बार, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 से, तो 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 2, तो इस जो जो बार है इसकी हिस्टोग्राम की बार है वो 2 तक ही जाएगी, देखो 2 है यहाँ, 2 तक ही जाएगी, हाँ विड्थ इसकी 20 तक रहेगी। इस तरीके से ये वाला जो हिस्टोग्राम है उसकी विड्थ भी थोड़ी सी ज्यादा रही है और हाइट इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी एडजस्ट कर दी गई है। अब यहाँ फिर 10 का डिफरेंस है 3 तक जाएगा, तो ये तो 3 तक जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी 10 का ही डिफरेंस है 9 तक जाएगा, तो ये डिफरेंस आपका 9 तक जाएगा, बार 9 तक जाएगी, इस तरीके से आपके बन गए। तो यहाँ सीखने की जो बात है ना वो ये है कि यहाँ आपके हिस्टोग्राम की विड्थ जो है वो बढ़ गई है और हाइट को अपन को एडजस्ट करना पड़ा अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, जिसके लिए अपन को एक कैलकुलेशन जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल जो है एज कंपेयर थोड़ा सा टफ होता है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा और एग्जाम में ज्यादातर यही वाला आता है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है और उसको हम डिस्क्रीट सीरीज में देख रहे हैं। अभी सीरीज वगैरह के बारे में अभी आपको ज्यादा पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता लगेगा। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ रूम्स, एक रूम है, ऐसे घर कितने हैं, ऐसे घर आपकी कॉलोनी में 10। सर घर में 2 रूम है, ऐसे कितने कॉलोनी में आपके घर है, सर 15 घर है ऐसे हमारे। 3 बेडरूम के कितने हैं, सर 20। 4 बेडरूम वाले कितने हैं, 10। 5 बेडरूम वाले कितने हैं, 5। और 6 बेडरूम वाले कितने हैं, 4। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे 64 हाउसेज हैं आपकी कॉलोनी में, तो आपको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ रूम्स आप यहाँ लिखेंगे और नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ लिखेंगे। अब आपको सर दोनों ही नंबर है, कौन सा कहाँ लिखें, तो मैं इसमें देखो आपको बोलूंगा कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, एक रूम की फ्रीक्वेंसी है 10 बार। एक रूम कितने घरों में है, 10 घरों में, तो एक की फ्रीक्वेंसी हो गई 10। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमेशा आपको वाई एक्सिस पे लिखनी है,
और एक्स जो है वो आपको हमेशा यहाँ लिखना है, यहाँ ये एक्स है ये एफ है। अब होगा क्या, यहाँ बोला है एक की फ्रीक्वेंसी है 10, तो ये एक है, एक की फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 आपका यहाँ आता है। दो की फ्रीक्वेंसी है 15, तो ये दो है, दो की फ्रीक्वेंसी 15, ये आपका यहाँ आता है। तीन की फ्रीक्वेंसी है 20, ये 3 है और ये 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ आती है। चार की फ्रीक्वेंसी है 10, तो चार की फ्रीक्वेंसी है 10, वो आपका यहाँ आता है। पांच की फ्रीक्वेंसी है 5, तो पांच की फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 आपका यहाँ आता है। और छह की फ्रीक्वेंसी है 4, तो छह की फ्रीक्वेंसी 4, 4 आपका यहाँ आता है। अब आपको क्या करना है कि इसको यहाँ 0 से चालू करना है और इन सभी जो पॉइंट्स आपने किए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप मिला देंगे। तो इस तरीके से ये जो शेप बनी उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप बोलते हैं। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा वो अपन ने देखा है। और यहाँ पे देना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शोइंग नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस, स्केल क्या है सर, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर बराबर है एक रूम के और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 हाउसेस के, ऐसा स्केल आपको ग्राफ पेपर में हमेशा देना पड़ेगा। और ये आपका इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका कंप्लीट होगा। अब यही चीज कंटिन्यू सीरीज में कैसे होगी, कंटिन्यू सीरीज में आपके ग्रुप होते हैं इस तरीके से कि 20 से 30 की एज है, ऐसे आपकी फैक्ट्री में कितने वर्कर हैं सर, 15 वर्कर हैं। 30 से 40 की एज के आपके कितने वर्कर हैं सर, 25 वर्कर हैं। 40 से 50 की एज के 7 वर्कर हैं, 50 से 60 की एज के 5 वर्कर हैं और 60 से 70 की एज के आपके 2 वर्कर हैं। इनको आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दिखाना है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये आपके एज इन ईयर्स हैं एक्स एक्सिस पर और यहाँ आपका नंबर ऑफ वर्कर है वाई एक्सिस पर। इसमें क्या है, हिस्टोग्राम भी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है। देखिए कैसे होगा ये सब, देखो हमें ये पता है पहले तो 20 से 30 में 15 का बनाना है, तो ये 20 से 30 में आपका 15 का हिस्टोग्राम बना दिया, ये देखिए। फिर 30 से 40 में 25 का बना दिया, 30 से 40 में 25 का बना दिया हिस्टोग्राम। 40 से 50 में 7 का है, तो 40 से 50 में आपका 7 का हिस्टोग्राम बना दिया। 50 से 60 में 5 का है, तो 50 से 60 में 5 का हिस्टोग्राम बना दिया। और 60 से 70 में 2 का है, तो 60 से 70 में 2 का बना दिया। अब आपको इसका पॉलीगॉन बनाना है, तो जब आप इसका पॉलीगॉन बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप इस लाइन को यहां से चालू करेंगे, 10 और 20 का मिड होता है 5, 5 15, 15 से इस 20 और 30 का मिड आपका यहाँ होगा, यहाँ लाएंगे, इसका मिड आपका यहाँ होगा, इसका मिड आपका यहाँ होगा, इसका मिड यहाँ होगा, इसका मिड यहाँ होगा और अगले मिड में इसको मिला देंगे। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व होगा, इसमें आपके हिस्टोग्राम भी आ गया और पॉलीगॉन भी आ गया। वैसे हो सकता है कि आपको हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन दोनों नहीं कहें, क्योंकि देखो लिखा होगा इसके अंदर लिखा है कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पहले हिस्टोग्राम बनाना है और देन हिस्टोग्राम को कन्वर्ट करना है पॉलीगॉन के अंदर। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली या तो हिस्टोग्राम आएगा या पॉलीगॉन आएगा, इसमें दोनों मैंने बताए हैं, पहले हिस्टोग्राम बन जाएगा और उनके मिड की जो भी वैल्यूज है उनको सारे पॉइंट्स को जो है जोड़ देंगे, तो वो अपने आप पॉलीगॉन जो है वो आपका बन जाएगा। फिर 1 मार्क का एक डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। देखो बार डायग्राम जो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे उसमें क्या होता था, हर टॉपिक की जो जो भी डेटा दे रखा होता उसकी बार जो है अलग अलग होती थी, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस और ये, तो बार जो है हर ईयर की अलग अलग होती थी, वो बार जुड़ी हुई नहीं होती थी, वो बार अलग अलग होती थी। और आप यहाँ हिस्टोग्राम देख रहे हैं सब कंटिन्यूटी में सब जुड़े हुए हैं, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बार डायग्राम में हर डेटा की हर एक्स की बार जो अलग अलग होती थी, या सारी बारें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक ही डिफरेंस पूछा जाता है, ज्यादा डिफरेंस आपसे पूछे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आपका आएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, लिखा है द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग ए स्मूथ फ्री एंड कर्व, लाइन याद करो स्मूथ फ्री एंड कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एज क्लोजली एज पॉसिबल। तो फ्री एंड कर्व है, इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत एस्टिमेशन तो हो गई, क्योंकि हाथ से अगर आप कोई कर्व बनाओगे तो वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है क्लास इंटरवल आपके ये हैं 10 10 के डिफरेंस हैं, फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी,
आपको सबसे पहले इसमें लिखा है कि आपको हिस्टोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो 0 से 10 में 4, तो 4 तक का हिस्टोग्राम आपका बन जाएगा। 10 से 20 में 10 का, तो ये 10 है आपका, यहाँ 10 का डायग्राम बन जाएगा हिस्टोग्राम आपका। 20 से 30 में 15 का, तो 20 से 30 में आपका 15 का है, तो ये 15। एक बार आपको ये सब हाथ से बनाने पड़ेंगे। 30 से 40 में 18 का, तो 30 से 40 में आपका 18 18 अप्रोक्सली यहाँ आता है। ऐसे ही फिर आपका 20 का है, तो ये 20 का बन जाएगा, और ऐसे ये 16 का है, तो ये 16 का बन जाएगा। ये सब हिस्टोग्राम है, ये सब हिस्टोग्राम है। ये डायग्राम जो भी अपन ने बनाए, ये सारे हिस्टोग्राम है, अभी वाले ये सारे हिस्टोग्राम बने हैं आपके। तो ये हिस्टोग्राम तो इस तरीके से आपके इजीली बन जाएंगे। सर हिस्टोग्राम तो बन गए, सर पॉलीगॉन का क्या हुआ? तो पॉलीगॉन जब आपको बनाना है, तो आपको करना क्या है, इन हिस्टोग्राम के जो बीच के ये पॉइंट्स हैं, ये वाले इन सबको फ्री एंड कर्व से इस तरह से जोड़ दें। इनको फ्री एंड से जोड़ना है, मतलब स्केल से नहीं, फ्री एंड, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्मूथ फ्री एंड कर्व से आपको जोड़ना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा, और ये स्मूथ फ्री एंड कर्व है, इसको स्केल से नहीं, इसको फ्री एंड से जोड़ना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो आपका कहलाता है।